हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का आर या पार सीरीज देख रहे हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज। जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा लेके चल रहे हैं मैथ को, और पहला चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है जिसमें भिन्न और पूर्ण संख्या और दशमलव था। अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे फेसबुक पेज, हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, 12 घंटा के अंदर आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? हम ये जान के आप लोगों को ये बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है परसेंटेज के मामले में। जीरो, लोग जीरो से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं जीरो से नहीं, मैं माइनस से शुरुआत करूंगा। आइएगा देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का साइन क्या होता है? इसको परसेंटेज कहते हैं, ये परसेंटेज का साइन होता है। कहीं भी अगर परसेंटेज का बात आ जाए तो जान लीजिएगा उसका मतलब होता है बटा सौ। क्या होता है? बटा सौ। जैसे कि अगर 20% का फ्रैक्शन पूछे, भिन्न पूछे, तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब हुआ 20% का? तो 20% का मतलब बटा सौ, 20/100। ठीक, अब इसको भिन्न में बदलने के लिए काट देंगे, 1/5। बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, कुछ और भी संख्याओं को देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 40% पूछ रहा है, इसका भिन्न में मान क्या होगा? तो 40/100 क्या लिखेंगे? 40/100 इसको काट देंगे, 2/5। ठीक, कुछ और भी संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे कि 60%। हमने कहा परसेंटेज का मतलब हमेशा ही हमेशा बटे में 100 आएगा, 60/100 इसको काट देंगे, 3/5। ऐसे ही अन्य संख्याओं को, कोई भी संख्या दिया रहे उसका जान लीजिए हमको क्या करना है, बटा 100 लिखना है और उसको काट देना है अगर भिन्न में उसको बदलना है तो। आगे ये सब आगे सवालों में इसका सब यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग कुछ संख्याओं को लिख लीजिए कि इसका परसेंटेज क्या होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है, उसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि ये तो हो गया, हम लोग परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीख गए, लेकिन अगर भिन्न से परसेंटेज में आना हो तो क्या करेंगे? तो देखिएगा, जब हम परसेंटेज से भिन्न में जा रहे थे तो भाग दे रहे थे, अगर हमको भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, 1/2 है, इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा, तो यहीं पे गुणे 100 कर देंगे। ठीक, ये परसेंटेज में बदल आएगा, कितना आ जाएगा, 50। ठीक, कुछ और संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे देख दे दिया 3/4, इसको परसेंटेज में बदलिए। परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा, अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा। ये बात केवल ध्यान रखिएगा, हम लोग गणित जो ये आर पार की सीरीज है बिना फार्मूले का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिए। इसको काटेंगे, 25, ये कितना हो गया, 75%। ठीक, कुछ और भी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे कि 3/6, 3/6 तो 1/2 ही हो जाएगा, 3/6
8, 3/8 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे हम लोग, भिन्न में बदल रहे थे 100 से भाग दे रहे थे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, कितना हो जाएगा 100 से गुणा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 × 8 4 × 25 100, 25 × 3 = 75, 75/2, 75/2 को हम पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 और कैरी 1, 2 × 7 = 14, 1/2, यानी 37.5%। अभी मैं कुछ परसेंटेज को यहां पे लिखवा रहा हूं, केवल आप लोगों को एक पेज पे लिख के जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पे इसको लगा लीजिएगा, आप लोग उसको केवल ध्यान में रखिएगा, बार बार उसको देखेंगे तो वो खुद ब खुद आप लोगों को याद हो जाएगा, और कुछ लोगों को याद होगा। आइए देख लेते हैं कुछ परसेंटेज को, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 5%, 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5/100, 5/100 यानी 1/20, ठीक है। हम डायरेक्ट यहां पे लिख दें, चलिए 10%, 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक। 15% इसका कितना हो जाएगा, 3/20, 20% अभी हम लोगों ने निकाला था, 1/5, 25%, 25% का कितना हो जाएगा, 1/4, 33%। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगे क्वेश्चनों में यूज होगा वही हम लोग देखेंगे, 33% का कितना हो जाएगा, 1/3, इसको ध्यान रखिएगा, 33% का 33 सही 1/3% का 1/3 हो जाएगा। 40% का देख लेते हैं, 40% का कितना हो जाएगा, 2/5, 50 का 1/2, 55 का 11/20, इसी तरह देख लीजिएगा, 60 का 3/5, 75 का कितना हो जाएगा, 75% का 3/4, 80% का कितना हो जाएगा, 4/5, 95% का कितना हो जाएगा, 95% का, तो ये हो जाएगा 19/20, ठीक। इसके साथ साथ 2-3 और मान हैं, उसको आप याद रखिएगा, जैसे जैसे कि 1/8 साढ़े बारह परसेंट का मान कितना होता है, 1/8 कैसे होता है देख लीजिए, 12 × 24 = 25, यही देख लीजिए कि कैसे इसका मान आया है, 25/2, और परसेंटेज का मतलब हो गया भाग, तो 25 × 4 × 8 1/8 आया, वही 1/8 ये हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 2-3 और देख लेते हैं जो एग्जाम में यूज होगा, ये परसेंटेज आपको याद रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को मात्र आप 15 से 17 सेकंड में बड़े ही आसानी से कर लेंगे, चाहे कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, 15 से 17 सेकंड में आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, अगर इतना मान आप लोगों को याद है तो। कुछ और परसेंटेज, जैसे 16 सही 2/3%, इसका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, तो 1/6 हो जाएगा, कैसे, 16 × 3 = 48, 2 = 50, 50/3, 50 × 100 यानी 3 इधर हो रहा है, 3 उधर हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। आप ऐसे गुणा करके लिख कर लीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 का कितना हो जाएगा, ये इसका 1/7 हो जाएगा। ये केवल इतना ही है, 33% के हम काम लोगों ने देख लिया, और एक मान और है, 66 सही 2/3, इसको ध्यान में दे दीजिएगा, 2/3, केवल इतना परसेंटेज आप लोग एक पेज पे लिख करके
और एक जगह जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिएगा, केवल इतना ही परसेंटेज, पूरा परसेंटेज और लाभ हानि बट्टा औसत जितना क्वेश्चन है सब इसी पे लगेगा, इसका बहुत यूज होने वाला है आगे के क्वेश्चनों में, तो इसको आप लोग केवल ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को केवल इतना ही याद हो गया, ये तो सिंपल सिंपल है, ये थोड़ा सा टफ होता है इसको याद करना क्योंकि ये सही बटे में दिया गया है, तो इतना ही केवल आप लोगों को याद हो गया तो ये समझ लीजिए कि परसेंटेज का 80% क्वेश्चन आप लोग बड़े ही आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे हम सब बताएंगे, केवल आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि वो क्या है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे होगा। अगर मान लीजिए दे दिया कि 300 का 30% निकालिए, 300 का 30% कितना होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे 300 का 30% निकालिए चाहे 30 का 300% निकालिए, ये दोनों मान एक ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, अगर दिया है 45 का 80% तो इतना समझ लीजिए कि ये मान उतना ही होगा जितना 80 का 45% होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 45 का 80% जितना मान आएगा 80 का 45% भी उतना ही मान आएगा, चाहे कोई भी संख्या रहे, जितना का पूछे जितना परसेंट तो वो संख्या आप पलट के भी गुणा करेंगे तो उतना ही मान आएगा। जैसे देख लीजिए 300 का 30% परसेंटेज को हमने क्या बताया, 100 से भाग, 300 गुणे 30 बटा 100, 00 से 00 कट गया, 3 3 9 90। ठीक, अब इसका देख लीजिए ये भी उतना ही आ जाएगा, 30 गुणे 300 बटा 100, 00 से 00 30 3 90। ठीक, यहां प्रूफ हो गया, ऐसे ये भी लग जाएगा। देख लेते हैं 45 का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। पहले इसको ऐसे देख लेते हैं, 80/100, 80/100, 2 2 4 2 5 10, 5 9 45, 9 4 36। अब हम लोग फ्रैक्शन से इसको देख लेते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन है, 45 का 80%, 80 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 4/5 होता है, 5 9 45, 9 4 36, उतना ही आया। तो फ्रैक्शन का यूज आप लोगों ने देख लिया कि कहां कैसे कितना शॉर्ट में हो जा रहा है। यहां हमको इतना लंबा नहीं, मान लीजिए ये तो संख्या अभी छोटी है तो हम लोगों ने कर लिया, अगर यही संख्या बड़ी रहती तो कैसे करते, तो इसीलिए इसको छोटे में लिखा गया है। ये मान आप लोगों को याद होना चाहिए जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है परसेंटेज का भिन्न में वो मान, और रिवर्स भी याद होना चाहिए कि जैसे बोल दिया कि 1/3 का परसेंटेज में क्या होगा, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि 33 सही 1/3 ये होता है, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 66 सही 2/3 इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, तो ये मान आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसका क्वेश्चन में यूज होता है। कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, हम लोग परसेंटेज पूरा बेसिक टू हाई पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया क्वेश्चन कि 1000 का 20% का 25% कितना होगा, जैसे 1000 का 20% का 25% कितना होगा। पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग फ्रैक्शन का यूज इसमें करेंगे। जैसे देख लीजिएगा, 1000 का मतलब आप लोग जानते ही हैं, का मतलब होता है गुणा 20%, 20/100 और गुणे 25%, 25/100, परसेंटेज जहां भी रहेगा वहां जान लीजिए बटे में 100 आ जाएगा।
ठीक, 00 से 00 गया, 00 से 00 गया, 25 दूना 50, ठीक 50 आ गया। अब इसका हम लोग फ्रैक्शन से देख लेते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे ये क्वेश्चन आसान हो सकता था। 1000 गुणे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। अब देखिएगा 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 20, 50 कितना मान आया 50। तो ये मान छोटा कर देता है और बड़े ही आसानी से हम लोग इसको कर लेते हैं। कुछ और भी सवालों को देख लीजिए। आगे हम लोग कई दिन इसको पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है 6000 का 16 सही, ये तो सीधा सीधा था, अब हम लोग सही बटे वाला पढ़ लेते हैं कि 6000 का 16 सही 2/3% का 40% कितना होगा। 6000 का 16 सही 2/3% का 40% कितना होगा। अब देखिएगा यहां पे बटे 100 लगाने जाएंगे, यहां पे बटे 100 लगाने जाएंगे, बहुत कटपिट करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं। कैसे कटपिट करना पड़ेगा, कितना किसमें कठिनाई आएगा। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। तो इसको पहले बेसिक से हम लोग देख लेते हैं, 16 × 3 = 48, 2 × 50 = 3 और परसेंटेज है तो यहां पे लग जाएगा गुड़े 100। अब 40% का 40/100, ठीक। अब इसको काटते हैं, 50 × 100 यहां हो जाएगा 2/5। अब कुछ और कट रहा है 3, 2000, 2 से 1000, 5 से फिर कटा 200। अब कितना बचा 2 × 2 = 400 आया। कितना हम लोगों को कटपिट करना पड़ा, पहले यहां कटपिट करना पड़ा, फिर वहां कटपिट करना पड़ा, ये तो 5 रह गया ना, 4 × 5 = 20, 2000। ऐसे ही इसमें संख्याएं छूट जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग इसमें फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं तब कैसे कितना आएगा देख लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से 6000, क्वेश्चन यही था, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6, ठीक, और 40 का 2/5। अब देखिएगा 6 से 6 गया 1000 और 5 × 5 = 10, 5 × 10 = 200, 2 × 2 = 400 और यहां पे क्या छूट रहा था, तो 2 × 4 यहां पे ये होगा 400, ये 200 और ये। ऐसे ही इसमें संख्याएं कोई छूट जाएंगी तो सवाल गलती हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो हमेशा सवाल बहुत ही कम समय में और जल्दी से होगा और बहुत ही आसानी से होगा। कुछ और भी सवालों को देख लेते हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम वादा करते हैं कि आप लोगों का UP SSSC पेट में मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। जैसे कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए दे दिया 500 का 40% का 33 सही 1/3% कितना होगा, ठीक। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू से देख लेते हैं, इसको 6 कर लीजिए, 600 का 40% का 33 सही 1/3% कितना होगा। चलिएगा देख लेते हैं, 600 × 40% का कितना मान होता है 2/5, 33 सही 1/3 का कितना मान होता है, तो 1/3 होता है, 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अब इसको काटिएगा,
तीन दूनी छः, 200 होगा, पाँच चौका 20, 40, 40 दूना 80। तो देखा आप लोगों ने कितना कम समय में हम इसको कर ले रहे हैं और बड़े ही आसानी से कर ले रहे हैं। तो आप लोगों को यही फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है, बस परसेंटेज लाभ हानि बट्टा प्रतिशत और इसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सारा सवाल इसी फ्रैक्शन वैल्यू पे हो जाएगा, बस आप लोग यही याद कर लीजिए। ठीक, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और जो भी क्वेश्चन है आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।